हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रिया और आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल बैंकिंग रिक्वायरमेंट्स पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले आईसीआईसीआई बैंक के पीओ प्रोग्राम से जो बैचेज आते हैं 54 बैच, 53 बैच, उन लोगों के बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ। जो आगे के प्रोसेस होंगे, जो 52 बैच तक जिनका हो चुका है उनके बारे में बात नहीं करूँगी मैं। 53 बैच, 54 बैच एंड आगे जो आते रहेंगे बैच, उनके बारे में आज बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं चीज़ लेके आई हूँ आप लोगों को बताने के लिए। तो उससे पहले, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन पे जाके ऑल पे सेलेक्ट कर दे, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपसे वन बाय वन सारी चीज़ें डिस्कस करती हूँ। जैसे कि आप जानते हो पीओ प्रोग्राम के बारे में आप लोग, अगर आपको उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगी, वहाँ से जाके भी आप इजीली अप्लाई कर सकते हो उस फॉर्म को। और अगर उसके बारे में पीओ प्रोग्राम के फुल डिटेल आपको चाहिए तो अब मैं वीडियो में आपको लिंक दे दूंगी, वहाँ से भी आप जाके उसके बारे में फुल डिटेल में आप देख सकते हो कैसे उसे अप्लाई करना है, कितना उसमें आपको टाइम लगती है, मतलब सारी डिटेल मेरी वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो उसके लिंक भी मैं आपको वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी एंड आई बटन पे भी दे दूंगी, आप क्लिक करके इजिली जाके वो उसके बारे में जान सकते हो। एग्जाम जहाँ तक होगी, एग्जाम की बात होगी, GD की बात होगी, PI की बात होगी, उन सारी चीज़ों की भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से जाके आप देख सकते हो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिटर्न एग्जाम में आपके, किस टाइप के GD में क्वेश्चंस आते हैं, PI में क्वेश्चंस आते हैं। मैंने सारी चीज़ें डिस्कस की हुई है अपने प्रीवियस वीडियोस में, तो वहाँ पे आप जाके मेरे प्लेलिस्ट सेशन में भी जाके आप सारे वीडियोस को देख सकते हो। तो चलिए, जो आज इंपॉर्टेंट बात है उसके बारे में आज हम लोग बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि जिन्होंने 53 बैच के लिए अप्लाई किया था, 54 बैच आने वाली, जैसे कि आप जानते हो 54 बैच के लिए भी रिक्वायरमेंट आ गई है। तो 53 बैच के लिए बहुत लोगों ने मुझसे बोला था कि 53 बैच में जिन लोगों का, बहुत लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, बहुत लोगों ने जुलाई में ही एग्ज़ाम दिया था बट अभी तक अगस्त आ गई है, बट अभी तक उन लोगों का रिजल्ट नहीं आया है। तो मैं एक बात आप लोगों को क्लियर कर दूं कि जैसे पहल उन इस बार बहुत सारे स्टूडेंट के सिलेक्शन हुई है, तो इससे क्या हो गया है फ्रेंड्स कि अगर उन लोगों ने 53 बैच के लिए बहुत सारे बच्चों को पहले ही सेलेक्ट कर लिया और उन लोगों की क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि और जिन लोगों ने 53 बैच के लिए अप्लाई किया था और उन लोगों का एग्ज़ाम बहुत लेट हुआ है, यानी कि 1 वीक पहले हुई है, 2-4 दिन पहले हुई है, उन लोगों ने अभी भी उन लोगों का इंटरव्यू एंड ग्रुप डिस्कशन चल रहा है फ्रेंड्स 53 बैच के लिए। जिन लोगों ने 53 बैच में बहुत, जिन लोगों की अभी तक नहीं, वो लोगों को 54 बैच में वो लोग प्रोमोट कर रहे हैं, क्योंकि उन 53 बैच का जितना उन लोग को रिक्वायरमेंट होता है उन लोग का वहाँ पे पूरा हो गया है, इसलिए वो लोग अब 53 बैच में और जितने कैंडिडेट अप्लाई किए हुए थे उनका PI का रिजल्ट नहीं आया या ग्रुप डिस्कशन का नहीं आया, तो वो लोगों को ये लोग धीरे धीरे मेल कर रहे हैं। तो वो उन लोगों को, सारे लोगों को मेल में भी आप लोगों को आ जाएगा कि 53 बैच वाले जो अप्लाई किए तो उन लोगों को 54 बैच में किया जाएगा। बस यही अंतर है फ्रेंड कि आपका एक मंथ और, आपका 1 मंथ और बढ़ गया, अब आपका सितंबर में शुरू होगा आप लोगों का। तो मैं आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि मणिपाल से रिलेटेड मैं आज बात करने वाली हूं। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे अभी तक वो लोग 50 बैच एंड 51st बैच को उन लोगों ने अभी ऑनलाइन क्लासेस ली थी, उन लोगों का फुल्ली ऑनलाइन क्लास चला है, एग्जाम से लेकर हर एक चीज़ उन लोगों का ऑनलाइन ही हो चुका है। बट अभी मुझे सुनने में आ रही है फ्रेंड्स, और मैं कन्फर्म अभी मैं आपको अगले वीडियो में भी एक वीडियो बना दूंगी, उससे ही मैं बता दूंगी, बट मुझे सुनने में आई है और मुझे पता चला है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं खुद मणिपाल से हूँ तो मुझे खुद पता चला है कि उन लोगों ने नेक्स्ट बैच यानी कि 53 बैच, 54 बैच जितने भी आने वाले बैचेस हैं, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि उन लोगों का क्लासेस जो वो डायरेक्टली वो लोग मणिपाल से स्टार्ट करवाने वाले हैं। तो अब आप लोगों का ऑनलाइन नहीं होगा, तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है कि अब आप लोग आराम से, जिनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि घर से कैसे होगा, नहीं होगा, कैसे वो लोग ये प्रोग्राम को कम्प्लीट करेंगे, कैसे सारी चीज़ें उन लोगों को सीखने को मिलेगी, तो मैं आपको बता दूं कि अब जितने भी आगे बैचेस आने वाली हैं, अगर आप लोगों को अगर देखा जाए कोविड की सिचुएशन को देखी जाए तो आप देख सकते हो धीरे धीरे वो रिड्यूस होनी शुरू हो गई है। तो उन लोगों ने डिसीजन लिया है कि वो लोग 53 बैच के आगे ऑनवर्ड जितने भी बैचेज आएंगे अब वो लोग मोस्ट प्रोबेबली वो लोग स्टार्टिंग से ही वो लोग ऑनलाइन आप लोगों का अब नहीं हो गया, और वो लोग ऑनलाइन छोड़ के अब आप लोगों का ऑफलाइन ही चलने वाला है यहाँ पे, यानी वो लोग आप लोगों को मणिपाल बुला लेंगे। तो आप लोग अब जिनको भी प्रॉब्लम थी या जो भी
कंफ्यूजन में थे आप लोग, तो वो लोग अब वो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी क्योंकि वो लोग अब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो नेक्स्ट बैच से जो भी अप्लाई करेंगे उन लोगों को मैं बता दूं कि सारे लोगों का अब क्लास जो है वो ऑफलाइन चलने वाला। और सैलरी के लिए बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट सेशन में भी पूछा था और स्टाइफन से रिलेटेड भी बहुत सारे मुझे बच्चों ने पूछा था, तो मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि स्टाइफन जो है वो बढ़ चुकी है। पहले आप लोगों का 2500 रुपीज़ रखी गई थी, वो लोग 2500 रुपीज़ ही पे करते थे सारे बच्चों को एज अ स्टाइफन वो लोग देते थे। बट मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 मंथ से वो लोग उन लोगों ने पिछले 2 मंथ से 5000 रुपीज़ कर दिए। तो अब जितने नेक्स्ट बैच अब जितने भी आएंगे उन लोगों को 2500 नहीं मिलके अब उन लोगों को सारे बच्चों को 5000 रुपीज़ आपको पर मंथ एज अ स्टाइफन यहाँ पे मिलने वाली है। और ऑन जॉब ट्रेनिंग की बात की जाए फ्रेंड्स, तो आपको मैं बता दूँ कि 20,500 रुपीज़ कर दीजिए। क्यों, और मैं पिछले का बता दूँ तो पहले वो लोग 15,000 रुपीज़ देते थे आपके OJT में, यानी कि ऑन जॉब ट्रेनिंग में, बट वो लोगों ने अब बढ़ा के आपका 20,500 रुपीज़ कर दी है। तो ये आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। और सैलरी की बात की जाए तो मैं आपको जल्द सैलरी के लिए भी मैं आपको बना दूंगी वीडियो, क्योंकि मैंने सुना है कि सैलरी भी बढ़ने वाली है, तो आप लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छी बात है। तो वो लोग सैलरी बढ़ा के आई होप 40K करने वाले हैं, 40K कर दिए हैं। तो इसके लिए मैं एक और वीडियो आपको कंफर्म बना दूंगी आने वाले कुछ दिनों के बाद, मैं ये आप लोगों को कंफर्म कर दूंगी। बट मैं अभी स्टाइफन से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें बता दी, जैसे कि आप लोगों का 4 मंथ का क्लासरूम ट्रेनिंग होगा उसमें आप लोगों को 5000 पर मंथ मिलेगी, आप लोगों का इंटर्नशिप जो 2 मंथ का होता है उसमें भी आप लोगों को 5000 पर मंथ मिलेगी, देन 2 मंथ का जो क्लासरूम ट्रेनिंग होगा फ्रेंड्स उसमें आप लोगों को 5000 रुपीज़ मिलेगी, एंड देन OJT जो आपका 4 मंथ का होगा उसमें आप लोगों को 20,500 रुपीज़ आप लोगों को मिलेगी। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी फ्रेंड। तो अगर अभी भी कोई आप लोगों को प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट सेशन में पूछ सकते हो। और जिन लोगों का मैं बता दूं कि अगर वो बहुत लोग जिन लोगों ने अभी 12 जुलाई को 10 जुलाई को एग्ज़ाम दिया है उन लोगों ने PI अपना कंप्लीट कर लिया, जिन लोगों ने कंप्लीट कर लिया और उन लोगों को 15 डेज हो गए, 20 डेज हो गए अभी तक उन लोगों का रिजल्ट नहीं आया, तो 5 से 10 दिन और आप वेट करें, उससे ज़्यादा आप वेट ना करें, क्योंकि इतने से ज़्यादा वो लोग टाइम नहीं लेते हैं आप लोग को रिजल्ट डिक्लेयर करने में। मेरिट लिस्ट वो लोग निकाले या ना निकाले बट वे पर्सनली सारे बच्चों को वो लोग मेल कर देते हैं। तो आप लोगों को मैं फाइनल यहाँ पे बता देती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स एक ही चीज़ के लिए आ रही थी, तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि जिन लोगों ने भी एग्ज़ाम जब भी दिया उससे 15 to 20 days तक आप लोग वेट करें, हार्डली 25 days वेट करें, उससे ज़्यादा आप लोग वेट ना करें। अगर आप लोगों को उसके रिगार्डिंग आपको मेल नहीं आती है तो आप समझ जाना कि आप सेलेक्ट नहीं हुए हो फ्रेंड्स, क्योंकि वो लोग 15 to 20 days में आप लोगों को पर्सनली मेल कर देते हैं। आप लोगों को पर्सनली आप लोगों के मेल आईडी पे सारी चीज़ें आप लोगों की आ जाती है, वो मेरिट लिस्ट निकाले ना निकाले उसे कोई मतलब नहीं है, आप लोगों के पर्सनली मेल पे आ जाती है। तो आई होप अब सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। एंड और मैं आपको बता दूँ कि सारी अब जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अब जितने भी आने वाली बैचेज है उनकी आई होप क्लासेज अब सारी ऑफलाइन स्टार्ट होने जा रही हैं, तो आप लोग अभी से प्रिपेयर हो जाए। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हो फ्रेंड्स। तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।